सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो करा है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट बेस्ड सॉलिड स्टेट पढ़ा था अभी तक, ठीक है। और अभी तक हमने देखा था कि भैया अगर दो कभी भी दो आइटम एक दूसरे का टच करते हैं तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, आर प्लस आर मतलब टू आर। तो कभी भी कोई आइटम कहीं पर भी टच करेगा तो आर, तो उसकी लेंथ हमेशा कितनी होगी, टू आर के बराबर होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि ये वाली लेंथ आपने बोला था बीसीसी जो है वो तो अलग तो बॉडी डायगोनल टच करता है, लेकिन वहां की लेंथ तो अलग है, तो वो आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कभी भी एटम चाहे वो बॉडी डायगोनल टच करे या फेस डायगोनल टच करे या अलोंग द कॉर्नर टच करे, उसका एटम का टोटल लेंथ आर प्लस आर। आप खुद से सोचो, एक यहां से यहां का लेंथ आर, यहां से यहां का लेंथ आर, आप खुद से समझो इस बात को, यहां से यहां तक का लेंथ आर और वहां से वहां तक, तो दो एटम कभी भी टच करेंगे एक दूसरे को, कभी भी चाहे अलोंग द बॉडी डायगोनल टच करे, फेस डायगोनल टच करे, अलोंग द कॉर्नर टच करे, टोटल लेंथ उसकी आर प्लस आर ही होती, मतलब टू आर होती है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलो इसके बाद अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एटम टचिंग अ पर्टिकुलर एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम टचिंग अ पर्टिकुलर एटम इन अ गिवन यूनिट सेल, पर्टिकुलर एटम इन अ गिवन यूनिट सेल in a given unit cell, particular atom in a given unit cell is known as coordination number, is known as coordination number of the unit cell and that atom are known as nearest neighbor, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम टचिंग अ पर्टिकुलर एटम एंड गिवन यूनिट सेल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम या नियरेस्ट नेबर भी हम कहते हैं। जैसे सपोज करो किसी सोसाइटी में, जैसे रो हाउस वगैरह रहते हैं ना, अगर उस सोसाइटी में मेरा बंगला नंबर मान लो सपोज करो 4 है, तो मेरा नियरेस्ट नेबर कौन होगा, 5 वाला और 6 वाला, उसके नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा, 3 वाला और 7 वाला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन सा होगा, 2 वाला और 8 वाला। आई बात समझ आ? तो हालांकि हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट की जरूरत नहीं होती, पर नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट। तो 4 अगर आपका बंगला नंबर है तो आपका नियरेस्ट नेबर 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, और नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा, 2 होगा और 6 होगा, यही आपके नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट की जरूरत नहीं है, खाली इसको मैं ऐसे समझा दिया हूं, ठीक है। इसको मैं एक बेसिकली क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको समझा ताकि आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है इस तरीके से, arrange atoms from in increasing order of distance from atom 1 and
also calculate and also calculate distance and also calculate distance. ठीक है, जिसमें एज लेंथ आपको दिया हुआ है, एज लेंथ आपको ए दिया हुआ है. ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझना ध्यान से. ठीक है, बेसिकली ये जो है मैं सिंपल क्यूबिक के लिए आपको बता रहा हूँ. सिंपल क्यूबिक का अगर केस मैंने आपको दिया है, ये सपोज करो, ठीक है, आपको 1 से एटम 2 को 8 तक अरेंजमेंट करना है विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस. ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट, अब डिस्टेंस कौन कौन सा हो सकता है, एक क्यूब में डिस्टेंस कौन सा होता है, एक हो सकता है एज लेंथ ए वाला, ये डिस्टेंस कौन सा है ए वाला, एक ये डिस्टेंस है रूट टू ए वाला, और एक ये डिस्टेंस है रूट थ्री ए वाला. यहाँ तक आपके पास समझ, फिर तो यही टोटल तीन ही डिस्टेंस आपको पढ़ना है बेसिकली क्यूब में. ठीक है, तो आपको ये बताना है 2 से 8 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है विद द इंक्रीजिंग, विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, कि एक एटम कितने कितने को टच कर सकता है. ठीक है, बेसिकली अगर अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ. जैसे जैसे सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ऐसे समझो, इधर ठीक है, अगर एटम आपका जैसे 1 है, ठीक है, 1 का पड़ोसी, नियरेस्ट पड़ोसी कौन है, 2 नंबर और 3 नंबर. ठीक है, तो मतलब एक यहां पे टच होगा, एक यहां पे टच होगा, एक यहां पे टच होगा, तो 1 2 और 4 है, सॉरी 1 2 और 4 और यहां पे 5, इसको तो ये, तो ये इनको तो ये कभी टच नहीं कर सकता पहली बार. ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास से ए डिस्टेंस है, रूट टू ए डिस्टेंस है, रूट थ्री ए डिस्टेंस है, तो सबसे लोवेस्ट डिस्टेंस आपका ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये होगा. आई बात समझ सबको. ठीक है, इसका मतलब ए डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ए पे नियरेस्ट नेबर आपको कौन सा होगा, 2 4 और 5, 2 4 और 5, ये तीनों ए डिस्टेंस पे. ठीक है, तो ये मेरे नाइबर होंगे, ये क्या होंगे, नियरेस्ट नाइबर होंगे, क्या होंगे मेरे नियरेस्ट नाइबर. ठीक है, नियरेस्ट नाइबर NN, nearest neighbor, ठीक है? उसके बाद root to a distance की बात करूं मैं, अगर किसकी distance की बात करूं, root to a distance, मतलब ध्यान से देना, root to a distance वगैरह, फिर से इसको रब कर देता हूं, better minute, आपको better understanding होगी. ठीक है, मैंने इसको रब कर दिया. ठीक है, अब suppose करें मैंने ऐसा draw किया, ठीक है, अब समझो एटम नंबर 1 मेरा यहां पे, ये तो नियरेस्ट नेबर होगा. ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहां पे होगा, एक तो वो इसको टच करेगा, एक तो वो इसको टच करेगा, और एक तो वो किसको टच करेगा, इसको टच करेगा. आपको बात समझ में आ रही है, एक कॉर्नर से टोटल कितने फेस निकल सकते हैं, यहां पे समझो बात को, टोटल 3 फेस निकल सकते हैं, तो हर फेस वो कितने को टच करेगा, हर फेस में वो एक इसको टच कर रहा है. अगर आपको बात नहीं समझ में आई है तो देखो मैं फिर से डिनर पर, एक इसको टच कर रहा है वो, एक ये वाले फेस के एटम को टच करेगा, और इस वाले फेस डायगोनली अपोजिट एटम को टच करेगा, मतलब 3 को टच करेगा रूट टू ए पे, वो 8 नंबर वाले को टच करेगा, और वो 6 नंबर वाले को टच करेगा. ठीक है, पीछे वाला इसको टच करेगा. ठीक है, इसका मतलब रूट टू ए पे कितने कौन से हो जाएंगे, 3 होगा, 6 होगा और 8 होगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सपोज करो रूट थ्री ए में कितने को टच करेगा, तो रूट थ्री ए में वो सिर्फ एक को ही टच करेगा, कॉस किसको, अपोजिट वाले को. यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये आगे वाला है और ये कॉर्नर का पीछे वाला, तो यहां से यहां का रूट थ्री है, तो रूट थ्री ए पे सिर्फ वो एक ही एटम को टच, हालांकि टच नहीं करेगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये टचिंग में नहीं बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं नेक्स्ट नियरेस्ट, नियरेस्ट नेबर पे वो 3 एटम को टच करेगा, दैट इज व्हाई वो नियरेस्ट नेबर है. ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पे वो टच नहीं करेगा, बट उसको वो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है. जैसे मैंने क्या बंगला नंबर 4 है, तो बंगला नंबर 4 है, तो बंगला नंबर 6 और बंगला नंबर 5 आपका क्या हुआ, नियरेस्ट नेबर है, और 3 और 7 वाला नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा. उसी तरीके से ये ए वाले पे वो कितने को टच करेगा, 3 को टच करेगा, रूट टू ए वाले को कितने टच करेगा, मतलब रूट टू ए पे कितने, मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की अगर मैं बात करूं तो कितने एटम होंगे, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पे 3 ही एटम होंगे, लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम पे
नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम पे वो सिर्फ एक एटम पर टच करेगा, तो दैट इज नंबर 7। आई बात समझ में, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि यहां तक आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो एक्चुअली सिनेरियो क्या है सर, ये तो क्वेश्चन था ठीक है। अगर मैं ये तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद समझाएं कि भैया कितने डिस्टेंस पे कैसे कैसे क्या होगा। अगर मैं बात करूं इसी में, मैंने क्या बोला कि पहला केस मैं ले रहा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रहता किस तरीके से, आप किस तरीके से एटम मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ठीक है। तो समझो बात को, जैसे अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, ठीक है जैसे ये है, तो ये ए डिस्टेंस में इसको टच करेगा तो एक इधर वाले को टच करेगा ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, पीछे वाले को भी टच करेगा 4, तो आगे वाले को भी टच करेगा ये, सॉरी आगे, इसको समझ रहे हो, इसको मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये आगे वाले को भी टच करेगा ये 5, आगे पीछे दाएं बाएं ठीक है, ऊपर वाले को भी टच करेगा ठीक है 1 2 3 1 2 2 3 4 5 6 और नीचे वाले को भी टच करेगा 7। तो इस तरीके से क्या करेगा, ए डिस्टेंस पे हमेशा वो कितने एटम को टच करता है, कभी भी याद रखना ए डिस्टेंस पर 6 एटम को टच करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे, इसका मतलब ये आर और ये आर टोटल लेंथ हमेशा कितनी होगी 2r होगी। तो कभी दो एटम एक दूसरे टच करते तो वो डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है 2r होती है, याद रखना टचिंग का डिस्टेंस ही 2r होता है, तभी तो एक रेडियस दूसरे रेडियस को मिलकर 2r बनाता है। तो इसका मतलब एक डिस्टेंस पे हमेशा कितना एटम को टच होगा 6 एटम को, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नाइबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का ही मतलब क्या होता है नियरेस्ट नाइबर होता है। तो ये हमेशा कितना होगा कि नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्टेंस ए पे होगा, पहली बात तो डिस्टेंस ए पे होगा और कितने नंबर को टच करेगा वो 6 नंबर को टच करेगा 6 एटम। तो बेसिकली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6 होता है ठीक है। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर मतलब कितना रूट टू ए पे कितने एटम को टच करता है हमेशा 12 एटम को टच करता है। कैसे टच करता है समझो बात को, ये आपको मैं ऐसे समझाता हूं रुको। जैसे सपोज करो ये मेरा क्यूबॉइड टाइप का है, कैसा क्यूबॉइड टाइप का है ठीक है। अब समझना बात को, जैसे इस कॉर्नर की बात कर रहा हूं, किसकी इस कॉर्नर के, इस कॉर्नर पे आप देखो कौन कौन सा कितने फेस निकले हुए, एक कॉर्नर से 3 फेस, एक ये फेस है, एक ये फेस है और एक ये फेस है, समझो बात को। अगर मैं इस कॉर्नर से बात करूं तो एक पॉइंट इस कॉर्नर से इस प्लेन में इसको टच करेगा रूट टू ए पे। मैं ये समझा रहा हूँ कि रूट टू ए पे एक एटम कितने एटम को टच कर सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर ये एटम यहाँ पे टच हो रहा है सपोज करो ठीक है, रूट टू ए मैंने क्या बोला, अगर फेस सेंटर वाला एटम जो रहता है, देखो जनरली रूट टू ए कहने का मतलब क्या होता है, रूट टू ए कहने का मतलब ये है कि भाई अगर रूट टू ए पे मतलब कब होगा, जब फेस सेंटर में कोई एटम होगा। तो मान लो यहाँ पे कोई एटम है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात ये पूरी लेंथ तो रूट टू ए ही काउंट करूंगा ना मैं, तो मतलब यहाँ पे एटम है तो अलोंग द फेस डायगोनल एटम टच करते हैं दूसरे को। तो ये इस फिर से समझाने की कोशिश करो, समझो कि एक फेस से एक कॉर्नर से 3 फेस निकलते हैं, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। आई बात समझ में, इसका मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, मतलब रूट टू ए वाला ही लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो एक पॉइंट इधर इस प्लेन में सिर्फ इस एटम को टच करेगा, इस प्लेन में सिर्फ इस एटम को टच करेगा और इस प्लेन में सिर्फ इस एटम को। अब ऐसे कितने प्लेन उसको मिलेंगे, ये वाला प्लेन एक इधर है तो एक इधर होगा ठीक है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो ऐसे वो कितने एक प्लेन में 4 एटम को टच करेगा। ऐसे एक प्लेन यहाँ पे होगा, एक प्लेन वहां पे होगा, एक प्लेन ऊपर होगा, एक प्लेन नीचे होगा, कितने होगा 8 होगा। उसी तरीके से एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो समझ रहे, एक एटम से कितने एटम को टच कर रहा है रूट टू ए डिस्टेंस पे 12 एटम को टच कर रहा है। तो याद रखना कभी भी रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने एटम टच होते हैं, 12 एटम टच होते हैं एक दूसरे से। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा बेसिकली, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ चीजें आपको समझ में आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर रूट ए डिस्टेंस मतलब सिंपल सी बात समझे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे होता है और ए डिस्टेंस में मतलब हर कॉर्नर वाला एटम 6 एटम को टच करता है। इस बात को आपको समझ में आ गया, ठीक है।
बीसीसी में बात करो, देखो बीसीसी में एटम कहाँ रहता है भैया, बीसीसी में एटम रहता है मेरा कॉर्नर में, और कहाँ रहता है मेरा बॉडी सेंटर में, कॉर्नर में रहता बॉडी सेंटर में रहता है, ठीक है। अब आपको मैं ये सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, अरेंज एटम फ्रॉम, इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाता हूं मैं, अरेंज एटम फ्रॉम 2 to 9 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, increasing order of distance from atom number 1 and also calculate distance in terms of a, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से समझो बात को, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, बॉडी सेंटर में एटम एक दूसरे को अलोंग बॉडी डायगोनली टच करते हैं, कहाँ टच करते हैं बॉडी डायगोनली, इसका मतलब अगर मैं ये लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ मेरे पास कितना हो जाएगा, √3a/2, ये टोटल डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं बात करूं √3a/2 या √3 में एक एटम कितने एटम को टच कर सकता, 8 एटम को टच कर सकता, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ एटम को देखो ना, ये सेंट्रल एटम ऊपर के भी चार को टच करेगा, नीचे के भी चार को टच करेगा, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ √3a/2 पे एटम कितने एटम को टच करता है, 8 एटम को, बात समझ में। लेकिन मुझे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो पहले बताओ √3/2a और a, इसमें से कौन सा डिस्टेंस बड़ा, ऑब्वियस बात है a बड़ा होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब बात को समझना थोड़ा, ठीक है। वन मैं बात करूं वन से, ठीक है, वन से ही मुझे कैलकुलेट करना है, हाँ समझो बात को। तो अगर मैं वन से बात करूं तो नियरेस्ट नेबर इसका कौन सा होगा, नियरेस्ट, तो जो सबसे पहले टच होगा वो नियरेस्ट होगा। तो भैया √3a/2 और a डिस्टेंस में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा, √3a/2 ऑब्वियस बात है, तो पहले ऑब्वियस बात इसको टच करेगा ना कि इसको टच करेगा, फिर से ध्यान देना, क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर में मैंने आपको बताया था एटम अलोंग द बॉडी डायगोनल एक दूसरे को टच करते हैं ना कि अलोंग द कॉर्नर, कॉर्नर वाला तभी टच कर सकता जब a बराबर 2r होगा, बराबर। लेकिन अभी बोला था मैंने कि जब भी कोई दो एटम टच करेंगे उसका टोटल रेडियस 2r होगा, यहां पे भी होगा, कैसे होगा वो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो पहले तो ये बात समझ में कि इन द बॉडी डायगोनल या सॉरी इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एटम एक दूसरे को बॉडी डायगोनली टच करता है, ठीक है। इसका मतलब वन का सबसे नियरेस्ट नेबर होगा 9, वो कितने डिस्टेंस पे होगा, वो डिस्टेंस पे होगा √3/2 a डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद अब ये कितने a डिस्टेंस पे इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब कौन सा होगा, a वाला कौन सा होगा, 2, 3, 5, 2, 3, 5, ये a डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, 2, 3, 5 हो गया, √2 पे 4, 6, 7 4, 6, 7 हो गया मेरा, ठीक है। ये कितने पे होगा, √2a पे होगा, ये कितने पे होगा, √2a पे होगा, ठीक है। और मेरा किस पे होगा, 8 नंबर पे किसको टच करेगा, 8 नंबर पे ये टच करेगा ये √3a डिस्टेंस पे 8 नंबर होगा, मतलब ये नियरेस्ट नेबर, ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर, 5 टाइम्स एंड नियरेस्ट नेबर। तो यहां तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में। तो अगर मैं बात करूं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आप समझो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये एक एटम कितने एटम को टच करा, ऊपर भी चार को टच करा, नीचे भी चार को टच करा, तो ऑब्वियस से बात है आप पर्टिकुलर, आप इसकी भी बात करो, ये भी कितने को टच करेगा, ये यहां पे एक टच कर रहा है, एक यहां टच करेगा, इस तरीके से आठ एटम, हर एटम एक दूसरे को 8 एटम को टच करते हैं, हर एटम, क्योंकि देखो इनफाइनाइट यूनिट सेल है, आप ये समझ सकते, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश किया, और आप खुद से भी समझे ना, एक एटम कितने एटम को टच कर सकता है, 8 एटम को टच कर सकता है,
ठीक है, आप इसको भी ब्रेक करते जाओगे, इसको भी ब्रेक करते जाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो ये भी एक सेंटर में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जो आठ एटम को टच कर रहा होगा। यही एक्चुअली जो मैंने आठ क्यूब क्यूब बताया था ना, मैंने देखो याद करो, मैंने क्यूब डिवाइड करना आपको बताया था, जिसमें देखो एक कॉर्नर वाला बॉडी, वो बॉडी सेंटर भी बन सकता था, वहीं से आप देखना एक एटम आठ एटम को टच कर सकता है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में जो भी एटम होगा वो ऑलरेडी आठ एटम को क्या करेगा, टच करेगा। तो नाइन नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आठ, वैसे इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आठ ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिफाइन होता नियरेस्ट नाइबर के लिए, किसके लिए, फिर से रिपीट करो, किस तरह डिफाइन होता, नियरेस्ट नाइबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये। हालांकि मैंने आपको ज्यादा एडवांस बता दिया, वो आप नहीं यहाँ तक भी याद करें तो भी चलेगा, ये आप छोड़ दो, बट हालांकि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए मैं आप अच्छे से प्रिपेयर रखो हार्ड क्वेश्चंस के लिए। तो नियरेस्ट नेबर समझ में आया, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो रूट थ्री ए बाई टू पे कितने कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, आठ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आई बात समझ में, चलो नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं टाइप की, टाइप डिस्टेंस, डिस्टेंस और नंबर, ठीक है, टाइप में अगर बात करूं नियरेस्ट नाइबर की मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितने डिस्टेंस पर टच करेगा, रूट थ्री बाई टू ए। अब बात समझना, रूट थ्री बाई टू आपको मैंने कल यूनिट्स एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन दी थी बॉडी सेंटर के लिए, तो वो क्या आता था, फोर ए बराबर आता था फोर आर बाय रूट थ्री, आप चेक करना, फोर आर बाय रूट थ्री आता था। तो रूट थ्री क्या आता था, कैंसर टू 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 आर, तो एग्जैक्टली कितना आ रहा है, टू आर के बराबर आ रहा है, देख लो। इसलिए मैंने बोला था कि कभी भी कोई दो एटम टच करेंगे तो उसका टोटल लेंथ कितना होगा, तो टू आर होगा, तो ये आ ही रहा टू आर भी, इसलिए समझ में एक बात आपको। और कितना नंबर हो जाएगा, आठ, दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर का कितना होता है, आठ होता है। तो जनरली क्या क्या पूछ सकता है, बॉडी सेंटर में कितने नंबर ऑफ एटम होता है, भैया दो होता है, आठ कॉर्नर होता है, एक बॉडी सेंटर को होता है, ठीक है। आठ का कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई एट होता है, तो एट एट इंटू वन बाई एट प्लस वन, तो दैट इज नंबर टू, कोऑर्डिनेशन नंबर आठ हो गया, नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल दो हो जाएंगे, उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाता है, 68% होता है, एम्प्टी वॉइड स्पेस 32% होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देख लो, ए क्यूब होता है मतलब 4 आर बाय रूट 3 का होल क्यूब, मतलब 64 आर क्यूब बाय 3 रूट 3 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, तो 2 इनटू 4 आर क्यूब बाय रूट 3, तो इसको डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ, आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी पे आ जाएगी। आई बात समझ में, तो आप चीज एक चीज देख रहे हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो और तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, 52%, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है, 68% हो गई है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, जितने ज्यादा एटम एक दूसरे को टच करेंगे उतने ज्यादा अच्छा पैकिंग एफिशिएंट माना जाता है, इसलिए एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, एफसीसी मतलब क्या भैया, सेंटर में फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे डिस्टेंस कितना, रूट टू ए बाई टू, इसका मतलब फेस सेंटर वाला एटम बार एटम को टच करता है, दैट इज उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। आई बात समझ में, चलो अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ चुके होंगे तो पहले बट, तो नियरेस्ट नाइबर इसका कौन सा होगा, नियरेस्ट नाइबर होगा ए डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे मतलब कितना होगा, ए डिस्टेंस पे होगा कितना एटम को, कितना कितने नियरेस्ट नाइबर होंगे इसके, 6 होंगे, क्योंकि ए डिस्टेंस पे हमेशा 6 ही रहते, जो मैंने आपको यहां से भी समझ में आ गया, रूट 3 ए बाई 2 पे हमेशा कितने होते हैं, 8 8 होते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, कितना क्या याद रखनी है, ए डिस्टेंस या ए बाई 2 पे कितने को टच करेगा, 6 पे, रूट 3 ए या रूट थ्री बाई टू ए पे हमेशा कितने टच करेगा, 8 को, या रूट टू ए या ए बाय रूट टू पे कितने को टच करेगा, 12 को टच करेगा। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। आई बात समझ में सबको, चलो वैलेंस कोड है। तो तीसरे के जो हम बात करते हैं वो है मेरा एफसीसी, क्या है भैया, एफसीसी है, समझो बात को, एफसीसी में कुछ नहीं है, ठीक है, समझे बात को, एफसीसी का मतलब है कि कॉर्नर में होने चाहिए आपके एटम, एटम कॉर्नर में होने चाहिए, और कुछ कहां होने चाहिए, फेस सेंटर में, ऊपर होने चाहिए, नीचे होने चाहिए, दाएं होने चाहिए, बाएं होने चाहिए,
आगे होने चाहिए और इसका पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे छह सेंटर हो गए। देखो अगर मैं बात करूं ये कितने डिस्टेंस में है, तो यही यही एक दूसरे के एटम एक दूसरे को टच कर पाएंगे, समझो बात को, कि यही एटम एक दूसरे को कितना कर पाएंगे, रूट टू ए पे, मतलब मैंने आप क्या बोला, फेस सेंटर्ड वाले पे, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम अलोंग द फेस डायगोनल टच होता है सब, यहां से 12 ऐसे भी समझ लो, 1 2 3 4 तो इस स्पेस में हो गए, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है अगर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है ए बाय रूट टू, कितना है ए बाय रूट टू, बराबर। अब ये ए बाय रूट टू है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो अगर ये ए बाय टू है, ये ए बाय टू है तो ऑब्वियस बात है ये भी कितना होगा, ए बाय रूट टू, मतलब ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको टच करेगा क्या, नहीं इसको नहीं टच, इसको नहीं टच करेगा, ये टच करेगा, ये टच करेगा, ये टच करेगा, आगे पीछे वाला टच करेगा, ऊपर नीचे वाला टच करेगा, बट ये वाला टच नहीं करेगा। तो चार इधर हो गए, 3 4 5 6 8 इसमें हो गए, देखो 1 4 5 6 7 8 ठीक है, 5 6 7 8 हो गए 8, ठीक है। अब आगे बढ़ा दो इसको, मैं अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया, अब फिर से दिल कर रहा हूं, तो एक यहां पे होगा, 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 ठीक है। ये फेस सेंटर को ब्लू से दिखाता हूं मैं, ठीक है, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, ठीक है। तो फिर से मैं देखो, चार इस यहां टच कर रहा है, 1 2 3 4 इनको टच करेगा, क्योंकि सबका लेंथ कितना है, ए बाय रूट टू ही लेंथ है, ठीक है। तो 4 4 8 6 8 9 10 11 12 तो टोटल मतलब कितना हो जाएगा, टोटल मतलब ये होगा, अगर मैं टाइप वाइज की बात करूं, टाइप वाइज करके नियरेस्ट नाइबर जो होगा या जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, वो कितने डिस्टेंस में आपको मिलता है, वो डिस्टेंस में मिलता है ए बाय रूट टू के, कितने पे, ए बाय रूट टू के, ए बाय रूट टू में मतलब जैसे समझो 1 बाय रूट 2 है, और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2, और याद करो एज लेंथ और उसका रिलेशन एफसीसी में √2 √2 कैंसिल, अगेन किसके बराबर है, 2 के बराबर, मतलब अब देख लो यहां से प्रूव हो रहा है कि इन द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एटम अलोंग द फेस डायगोनल भी टच होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर दो एटम एक दूसरे को टच करेगा तो उसका टोटल लेंथ 2r होगा ही होगा, 2r नहीं आ रहा इसका मतलब वो उस पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 12, दैट इज व्हाई जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंट होता है, दैट इज व्हाई फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी 74% माना जाता है, या एससीपी का भी सेम है क्योंकि उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। एससीपी में कुछ नहीं, 6 ऊपर रहेगा, 6 नीचे रहेगा, बीच में एक एटम रहता है, तो 6 ऊपर 6 नीचे, या ऐसे सब लोग 6 सेंटर में, या एससीपी में आपको समझा गुरुड़ भाई अच्छे से, वो भी क्योंकि दो ही यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल में तीन पार्ट होता है, एससीसी बीसीसी एफसीसी और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वगैरह 3D में पढ़ेंगे, तो ये सब भी 3D का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, चलो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो मेन न्यूमेरिकल आपको बोर्ड वगैरह में पूछ सकता है या एंट्रेंस में भी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड जिसका न्यूमेरिकल, हालांकि न्यूमेरिकल मैंने क्या बोला इसमें है नहीं, क्योंकि फॉर्मुला वगैरह जो कैलकुलेट करना वो न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, वो तो आप मुंह जमाने से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई पेन पेपर चलाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करो तो क्या होता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल, डेफिनेशन लिख देता रेशियो ऑफ मास ऑफ
यूनिट सेल, रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इज नोन एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब भैया कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है एक यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, इनटू मास ऑफ वन एटम। ठीक है, वो टोटल मेरा मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब मैं वॉल्यूम यूनिट सेल को क्या लिख सकता हूं, ए क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड इनटू ए वन। तो देखो Na एटम का मास होता है कितना, Na एटम का मास होता है मान लो a, a एटॉमिक मास है, तो 1 एटम को कितना होगा a / n होगा, तो 1 एटम को मैं क्या लिखूंगा z into a / na into a cube। ठीक है, तो ये हो जाता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का क्या होता है मेरा फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या रखनी है आपको, फार्मूला याद रखना है। ठीक है, हमेशा ग्राम पर सीसी में निकालना है, तो किस में निकालना, ग्राम पर सीसी में निकालना। ठीक है, इसको एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बेसिस यूनिट सेल, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी यूनिट सेल, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी यूनिट सेल इफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, इफ डिस्टेंस बिटवीन if distance between nearest neighbor in the crystal lattice, in the crystal lattice is 1.73 angstrom, is 1.73 angstrom, then calculate edge length, then calculate pehla एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो सोडियम बीसीसी में क्रिस्टलाइज कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन द क्रिस्टल लैटिस 1.73 Armstrong, ठीक है, distance between nearest neighbor is 1.73 Armstrong, then calculate edge length of the unit cell, and मतलब basically देखो nearest neighbor, BCC में nearest neighbor क्या होता है root 3 a by 2, तो एक दूसरे का atom कहाँ touch करता है, root 3 a by 2 में distance करते हैं, मतलब ये होगा कि root 3 a by 2, ये किसके बराबर है मेरे लिए, वो मेरे बराबर हो जाएगा 2R के बराबर, बराबर, मुझे पता है कि रूट थ्री ए बराबर क्या होता है 4R होता है, रूट थ्री ए बराबर क्या होता है 4R होता है, इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा 4R बाय रूट थ्री, क्या हो जाएगा 4R बाय रूट थ्री। ठीक है, आई बात समझ में, तो समझो बात को, नियरेस्ट नाइबर का डिस्टेंस जो है देखो 1.73 है ना, इसका मतलब ये जो दिया हुआ 2R का फॉर्मूला दिया हुआ, सॉरी कुल नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना होता है हमेशा 2R, सॉरी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माय मिस्टेक,
इन द नियरेस्ट नाइबर बोला है, इन द क्रिस्टल लैटिस डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नाइबर मतलब 2r, कभी भी ये वर्डिंग आने क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर इन द क्रिस्टल लैटिस, तो हमेशा 2r का डिस्टेंस देता है। तो 2r बराबर कितना दिया 1.73, या इसको मैं रूट 3 भी बोल सकता हूं। और मुझे पता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में r4 जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ एटम और इसका एज लेंथ का, वो रूट 3 बराबर 4r होता है। तो क्या मैं इसको 2 × 2r बराबर लिख सकता हूं रूट 3, इसका मतलब 2 × 2r को मैं रूट 3 बाय रूट 3 कर सकता हूं, दिस कैंसिल। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। तो कोई ना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला लगा दो, क्योंकि z बराबर कितना है, z तो यहां पे मेरा 2 है। सोडियम का फार्मूला कितना, सोडियम का भाई 23 डिवाइडेड बाय 6.023 इनको 10 का पावर 23 into, और यहां पे मेरे पास आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग में इसको कन्वर्ट कर दो 2 × 10⁻¹⁸ में, सेंटीमीटर में कर दो का होल क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करके यू विल गेट योर आंसर। फिर से कंफ्यूज मत होना, कभी भी डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नाइबर का मतलब ही होता है कि वो दो एटम का डिस्टेंस, मतलब जो दो रेडियस का डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, कहने मतलब ये दो एटम एक दूसरे का टच कर रहा, तो इसका डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर ये दिया होता है, मतलब 2r का लेंथ दिया होता है हमेशा। इस वर्डिंग का मतलब ये पकड़ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का लेंथ जो बेसिकली आप हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरस्टीशियल वॉइड। क्या है इंटरस्टीशियल वॉइड, इंटरस्टीशियल वॉइड। चलो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो इंटरस्टीशियल वॉइड का मतलब क्या होता है। जैसे बेसिकली इंटरस्टीशियल वॉइड का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप गैप मतलब आप एटम को अरेंज कर रहे हो, तो एटम को आपने अरेंज किया होगा, तो या फिर आपने देखा होगा या कभी आपके दिवाली में अगर या किसी भी त्यौहार में आप लोग मिठाई वगैरह, ऑब्वियस मतलब हम दिवाली पे ही देते हैं, तो जनरली लड्डू वगैरह हम लोग बांटते हैं, तो मिठाई के डब्बे में क्या करते हैं लड्डू एक लाइन से अरेंज करते हैं। तो देखो लड्डू के बीच में क्या होता है थोड़े छोटे छोटे गैप्स तब भी रह जाते हैं, उन गैप्स को मतलब क्योंकि वो विद इन एटम्स हो रहा है, एटम्स के बीच के अंदर गैप आ रहा है, लाइनिंग के बीच में गैप आ रहा है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है इंटरस्टीशियल वॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंटरस्टीशियल वॉइड, ठीक है। तो ये मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, गैप्स फॉर्म्ड बाय, गैप्स फॉर्म्ड बाय टचिंग, गैप्स फॉर्म्ड बाय इन बिटवीन, सॉरी नॉट बाय, गैप्स फॉर्म्ड इन बिटवीन द touching sphere, touching sphere are known as, are known as interstitial void, interstitial void, interstitial voids, and these are of two types. और ये भी कितने होते हैं, and these are of तो टाइप, ठीक है। क्या होते हैं दो टाइप के, ये होते हैं कैसे समझो बात को, ये आपको मैं एक्चुअली ओवरऑली कॉन्सेप्चुअली समझा भी देता हूँ, फिलहाल मैं ओरली समझा रहा हूँ। सपोज करो आपका एटम भर ले, तो एटम तो ऑब्वियस बात है स्फीयर टाइप का होता है, ठीक है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप एटम ऐसे भरो, या तो इन दोनों के बीच में एटम को रखो, या तो एटम इसके जस्ट नीचे रखो। तो सपोज करो मैं इसके नीचे रख रहा हूँ, तो ठीक है आप देख रहे होगे कि इसमें क्या हो रहा है, गैप गैप बन रहा है, हालांकि वो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा। तो मैं क्या बोला, कभी भी आप एटम को अरेंज करोगे तो थोड़ा थोड़ा जो गैप होगा वो बनेगा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं इंटरस्टीशियल वॉइड, मतलब बिटवीन द स्फीयर बनता है हमेशा। इसलिए हालांकि क्या समझाने के तौर पर आप ड्रॉ मत करिए, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पहला होता है प्लेनर वॉइड, क्या होता है प्लेनर वॉइड। प्लेनर वॉइड मतलब क्या, कि भैया वॉइड का जो सेंटर और स्फीयर का सेंटर अगर एक ही प्लेन में, वॉइड का सेंटर और स्फीयर का सेंटर अगर एक ही प्लेन में तो प्लेनर वॉइड है, अगर ऊपर नीचे इसका मतलब नॉन प्लेनर वॉइड होगा, ठीक है। तो ये मैं समझाऊंगा अभी डायग्रामेटिकली, आपको पूरा समझाऊंगा नॉन वरी, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं 2D वॉइड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 2D वॉइड, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्लेनर, बस नाम के लिए याद रखिएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, प्लेनर वॉइड में भी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बोल दिस डेफिनेशन लिख देता हूं, वॉइड इन विच सेंटर ऑफ स्फीयर, वॉइड इन विच सेंटर ऑफ स्फीयर
पॉइंट इन विच सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ वॉइड एंड सेंटर ऑफ वॉइड एंड सेंटर ऑफ वॉइड आर एट सेम प्लेन आर एट सेम प्लेन आर एट सेम प्लेन एंड दीज आर ऑफ टू टाइप ठीक है ये भी दो टाइप का होता है एंड दीज आर ऑफ टू टाइप ठीक है दो टाइप के होते हैं ठीक है वॉइड फिर से बोला प्लेनर वॉइड वो वॉइड होता है जो सेंटर अगर स्फीयर का सेंटर और वॉइड का सेंटर एक ही प्लेन में तो प्लेनर वॉइड है जिसमें दो टाइप के होते हैं पहला होता है आपका ट्राइंगुलर वॉइड दूसरा जो टाइप होता है आपका वो होता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड बोलते हैं इसको सॉरी माय मिस्टेक ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोलते हैं ठीक है सेकंड है हमारा नॉन प्लेनर वॉइड नॉन प्लेनर वॉइड नॉन प्लेनर वॉइड ठीक है नॉन प्लेनर वॉइड मतलब अगर वॉइड का सेंटर और स्फीयर का सेंटर एक प्लेन में नहीं तो वो नॉन प्लेनर वॉइड होगा इसी को बेसिकली 3D void हम बोलते हैं क्या बोलते हैं 3D void बोलते हैं ठीक है क्या बोलेंगे हम इसको 3D void बोलेंगे ठीक है तो void in which center of square void in which center of square void in which center of square and center of void and center of void are not in same plane are not in same plane तो उनको क्या बोलते हैं 3D void बोलते हैं non planar ये भी दो टाइप के होते हैं पहला void होता है tetrahedral void most important void tetrahedral void होगा दूसरा होगा इसमें octahedral void ठीक है तीसरा होगा क्यूबिक वॉइड जितना इंपॉर्टेंट लगा दो उतना इंपॉर्टेंट कम है ये दो वॉइड क्योंकि देखो बेसिकली ये आपको जानकारी के लिए समझना है कि आपके प्लेनर वॉइड क्या होता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड क्या होता है कैसे बनता है ठीक है लेकिन ऑब्वियस बात है सॉलिड स्टेट हमने जो पढ़ना वो पूरा 3D ज्योमेट्री में पढ़ना है और 3D ज्योमेट्री में ही ये दो वर्ड फॉर्म होते हैं और यहीं से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर साल जेई एडवांस जेई मेंस जो नीट में क्वेश्चन फिक्स रहता है सॉलिड स्टेट में ठीक है तो यहां तक आपको बात समझ में आई तो बेसिकली अब हम एक-एक करके एक-एक चीज को डिटेल में समझेंगे तो पहले तो ये समझे कि आखिर ये वर्ड बनते कैसे और हमें क्या पढ़ना है इनके बारे में तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो थोड़ा ध्यान से समझो इसको इसमें आ जाता है देखो बेसिकली पढ़ना कैसे समझाने के तौर पे समझा रहा हूं जैसे मान लो अगर तीन सर्कल है ठीक है और इसको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया ठीक है तो अभी समझ देखो ये किस टाइप का वॉइड है ट्रायंगुलर वॉइड है आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगुलर वॉइड है तो सर्कल का स्फीयर और स्फीयर मतलब स्फीयर का जो सेंटर है और इस वॉइड का सेंटर एक ही प्लेन में क्योंकि ट्राइंगल क्या होता है ट्राइंगल और स्क्वायर मुझे तो लगता है एक ही प्लेन में आते हैं तो उसका भी सब इसका सेंटर भी क्या होगा इसलिए क्या कहलाता है प्लेनर वॉइड है यहां के मैं समझाने के तौर पर बता रहा ठीक है मेरा मीनिंग ये नहीं है हमें क्या पढ़ना है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भैया इस वॉइड में मैं कौन ऐसे इसको थोड़ा मोटा बनाता तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक है ठीक है ये वॉइड अब बड़ा सा है आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया मान लो तीन स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनके बीच में ट्रायंगुलर वॉइड या कोई भी वॉइड भाई तो हालांकि एग्जांपल दिया मैंने कोई वॉइड बन रहा है तो आप इसमें ऐसा कौन सा स्फीयर टच
ऐसा कौन सा स्पेयर फिट करोगे ताकि वो तीनों स्पेयर को क्या करे, आपको उस वॉइड में वो स्पेयर फिट करना है ताकि वो ऑलमोस्ट वो वॉइड भर, हालांकि वो भर नहीं सकता, तब भी देखो थोड़े थोड़े गैप बचे जाएंगे, लेकिन क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो तीनों स्पेयर को क्या कर सकता है, टच कर सकता है, बात समझना ध्यान से। तो यहाँ पे थोड़ा मैं क्या करता हूं कि लेट आर बी रेडियस, स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्पेयर विच कैन बी फिटेड इन वॉइड, विच कैन बी फिटेड इन वॉइड। आपका मेन फोकस होगा इस इसी का रेडियस निकालना बस, ठीक है, ये हमेशा गिवन रहेगा, ये स्पेयर आपका स्पेयर का रेडियस भी गिवन रहेगा और जो स्पेयर आप वॉइड में फिट कर रहे हो उसका रेडियस आपको निकालना रहेगा, ठीक है। और आर इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझा देता हूं मैं, कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ स्मॉल आर बाय आर फॉर ईच टाइप ऑफ वॉइड, फॉर ईच टाइप ऑफ वॉइड, ठीक है, हर वॉइड में आपको ये करना है और आपको यही स्मॉल आर निकालना है, यही आपका मेन मोटो होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द, इसे को हम रेडियस रेशियो भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके का रेडियस रेशियो भी कहते हैं, तो ये आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला है मेरा ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है, तो वॉइड फॉर्म बाय टचिंग थ्री स्क्वायर, वॉइड फॉर्म बाय टचिंग थ्री स्फीयर इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन इज नोन एज, इज नोन एज ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है। तीन स्फीयर को टच करने पर जो वॉइड बनता है वो ट्राइंगुलर वॉइड होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और इसमें मैंने क्या कर दिया, ये तीन सेंटर को टच करते हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, फिर से अगर जब मैंने तीन स्फीयर को टच किया और तीनों के सेंटर को मैंने जॉइन किया, लेट्स से ए बी सी, ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके बीच में एक मैंने एक स्फीयर फिट कर दिया जो तीनों स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो लेट्स मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो एग्जैक्ट इस पॉइंट को क्या कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो मान लो यहां से ये जो पॉइंट मैं मान लेता हूं लेट, लेट सपोज करो इसके सेंटर से, वॉइड वाले सेंटर से यहां तक मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ई पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका सेंटर है डी, वॉइड वाले का सेंटर डी है और ये है, और ये एक तरीके से देखो तो क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ये शेडेड वाला क्या बन रहा है, ट्राइंगुलर, मतलब कुछ इस तरीके से स्थिति है, ठीक है। आपका ये ट्राइंगल कैसा है, बी डी और ई ट्राइंगल है, ठीक है। अब समझो बी और ई का ये तो रेडियस कितना है, आर है, तो बी और रेडियस का आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये लेंथ की किसकी बात कर रहा हूं, बी डी, बी डी लेंथ, बी डी लेंथ मतलब कितना हो जाएगा, बी डी लेंथ हो जाएगा आर प्लस आर, क्योंकि देखो यहां तक का तो लेंथ कितना हो जाएगा, यहां तक का लेंथ आर और यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। आप खुद से इमेजिन करो, दो एक छोटे को टच कर रहा है, इसके सेंटर से इसका सेंटर, तो ये आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, तो वही बीडी का कैसे, बीडी का लेंथ कितना, आर प्लस स्मॉल आर। तो अगर मैं इसको कॉस 30 डिग्री, ये क्योंकि ये एंगल कितना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो कॉस 30 डिग्री आपके पास कितना हो जाता है, आर बाय आर प्लस आर, R by R plus R हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा root 3 by 2 is equal to कितना हो जाएगा, R by R plus R हो जाएगा, ठीक है। तो इसको reverse कर देता हूँ मैं, तो reverse करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 plus R by R, 1 plus R by R बराबर क्या हो जाएगा, 2 by root 3, 2 by root 3, तो R by R बराबर कितना हो जाएगा, R by R बराबर हो जाएगा 2 by root 3 minus 1, तो R by R की जो value हो जाती है
कि सपोज करो आपको बोल दिया कि भैया तीन स्क्वायर में एक प्लेन में बना रहा हूँ, आपको ट्रायंगुलर वॉइड में उस वॉइड का रेडियस निकालना जो मैं स्क्वायर को फिट कर रहा हूँ, और आपको जैसे सपोज सिंपल सी बात है, अगर आपको ये आर की वैल्यू गिवन है तो बोलेगा ट्रायंगुलर वॉइड का कौन सा, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड में जो रेडियस स्फीयर फिट होगा उसका रेडियस कितना होगा। मान लो इसका स्फीयर का रेडियस 100 पिकोमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा, तो 0.5155 * r, मतलब 0.155 * 100 कर दो तो आपको रेडियस ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा जो वॉइड में फिटेड होगा। ये बात समझ में, तो ये फायदा होगा रेडियस रेशियो का, ठीक है। तो ये था मेरा क्या ट्रायंगुलर वॉइड का। तो अगर नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड कैसे बनेगा भैया, ये फॉर्म वही वॉइड तब बनता है जब चार स्क्वायर एक दूसरे को टच करता है, ठीक है। तो वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग फोर स्क्वायर touching four square in the same plane is known as square planar void, is known as square planar वाइट समझ ले ध्यान से। एक स्फीयर ऐसे है, ठीक है। चलो अगर बात करूं इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वॉइड फिक्स कर दिया जो चार स्फीयर बनने से ऑलमोस्ट ठीक है, ड्रॉइंग मेरी खराब है बट एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखो यहाँ पे क्या होगा, चार स्क्वायर तो ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, ठीक है। अगर हम बात करूं ये लेंथ और ये लेंथ की बात करूं, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर और आर हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर और आर हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, स्मॉल वाले का 2r, स्मॉल वाले का 2r हो जाएगा, और अगेन इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेट से इसकी, ठीक है, तो ये 2r का लेंथ है, ये भी 2r का लेंथ है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r प्लस स्मॉल 2r। यहाँ तक आपको चीजें मेरे हिसाब से थोड़े बहुत क्लियर हो चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बात करो एक ट्राइंगल है सपोज करो, ठीक है, जिसका एज लेंथ ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू ए हो जाएगा। तो ए बी सी, तो ए बी सी समझना बात को। तो अगर मैं बात करूं ए बी और बी सी, ए बी और इज इक्वल टू बी सी का लेंथ बराबर है, और ये लेंथ किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और ए बराबर कितना दिया हुआ मेरा, 2r दिया हुआ। पहले इक्वेशन मैंने एक ट्राइंगल माना, इससे किसी से कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये लेंथ ए और ये लेंथ ए, क्योंकि मुझे तो एज लेंथ के फॉर्मेट में निकालना है। लेट एज लेंथ ए इसका, इसका एज लेंथ है, तो ये कितना होगा, ए बराबर हमेशा 2r होता है, ठीक है। और ये हमेशा, अगर मैं इसकी बात करूँ ए बी सी की, ठीक है, ये भी ए बी सी, तो अगर मैं बात करूँ बी सी की, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट टू ए, और ये कितना हो जाएगा, 2r प्लस स्मॉल 2r, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो 2 को अगर मैंने डिवाइड कर दिया 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 को मैंने डिवाइड कर दिया 1 से, तो रूट टू ए बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r प्लस 2r बाय 2r, तो दैट्स समथिंग बट r प्लस r बाय r, तो 1 प्लस r बाय r, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट टू बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी कैपिटल r, ठीक है, तो 1 प्लस स्मॉल r बाय r,
स्मॉल आर बाय आर बराबर कितना हो जाएगा 0.414, ठीक है। तो ये किसका वॉइड का रेशियो है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड का रेशियो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, हम 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2D तो आपका हो चुका है, लेट्स कम टू 3D ज्योमेट्री वाले वॉइड। तो प्लेनर वॉइड में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, थर्ड है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है भैया, वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग फोर स्फीयर, फोर स्फीयर कॉमा थ्री इन द सेम प्लेन, थ्री इन द सेम प्लेन एंड वन इन द अपर एंड वन इन द अपर एंड वन इन और बॉटम प्लेन ऑफ बॉटम प्लेन वन इन द अपर ऑफ bottom plane is known as tetrahedral void, is known as tetrahedral void, is known as tetrahedral void। तो basically देखो, एक तरीके का पहले तो आपको क्या formation करना पड़ेगा, तीन तो एक plane में रहेंगे, अब इसी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक और डाल दिया, तो हालांकि क्या होगा, एक और डालने से वॉइड भर नहीं जाएगा, ठीक है। लेयर वाइज में समझाऊंगा, तो तीन ऊपर है तीन नीचे है, इसका मतलब एक स्फीयर का सेंटर ऊपर में, तो अगर आपको जैसे CH4 का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, तो ऐसा होता है CH4 का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो तीन क्या होता है, कार्बन सेंटर में होता है, तो कार्बन की जगह समझो एक वॉइड है, कार्बन की जगह क्या है, वॉइड है, और बाकी ये क्या है, ये एक रेडियस का सेंटर है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और ये एक स्फीयर है, एक स्फीयर, एक स्फीयर, एक स्फीयर ऊपर में। तो अगेन अगर अगर आप गौर से देख रहे होंगे, तो आप देखो ये एक स्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ पे, ये एक स्फीयर, इसका सेंटर यहाँ पे, ये एक स्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ पे, और ये स्फीयर, इसका सेंटर यहाँ पे। तो इसका स्फीयर तो तीन प्लेन में, इस सेम प्लेन पे, बट इसका स्फीयर का सेंटर ऊपर में और वॉइड भी इसके ऊपर में। तो ऑब्वियस बात है, स्फीयर सेंटर ऑफ स्फीयर और वॉइड का सेंटर एक प्लेन में नहीं, तो दैट इज व्हाई ये नॉन प्लेनर में आता है, पहली बात। और जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल मतलब CH4 की जो ज्योमेट्री होती है, कार्बन की जगह क्या कर दो, वॉइड कर दो, और वो बाकी एक ऊपर बाकी तीन डंडी नीचे, तो एक तरीका क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन करता है। तो आपको यहां पे चीज समझ में आ गई होंगी, तो अगर ऐसे वैसे समझाओ तो देखो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ठीक है, और एक मेरा हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और वॉइड मेरा कहाँ रहेगा, कुछ वॉइड मेरा इस जगह पे रहेगा, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3D व्यू से देखूं, तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ए बी सी डी और ये पॉइंट हो जाएगा ई। तो ऑब्वियसली बता, हर एंगल कितना होता है, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। तो हालांकि मुझे यहाँ पे एक स्फीयर फिट करना है, जिसका मुझे रेट आर बाय आर निकालना है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, सपोज करो एक ट्राइंगल मैंने लिया, कैसा है ट्राइंगल मेरा, ई ए बी और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ऑब्वियस बात है कितना हो जाएगा, 54 डिग्री 44 मिनट, ठीक है।
तो अगर मैं इसके साइन निकाल लेता हूँ साइन, क्योंकि देखो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी का लेंथ हो जाएगा आर प्लस आर और ये लेंथ हो जाएगा आर, तो साइन थीटा ले लो तो साइन मेरा हो जाएगा 54 डिग्री 44 मिनट बराबर कितना हो जाएगा आर बाय आर प्लस आर। तो यहाँ से आर बाय आर का रेशियो जो निकलता है वो निकलता है 0.225। देख रहे हो कितना घट गया है और ये कितना बड़ा था। तो अब से बात है ये कोई भी, देखो जनरली हम कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करने के लिए हम कभी एक सर्कल के दूसरे एक स्क्वायर के नीचे दूसरा स्क्वायर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं थोड़ा तिरछा करेंगे तो क्या होगा कॉम्पैक्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप देखो रेडियस में से कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है, तो हर वो बात सही है कि ये एक प्लेनर है नॉन प्लेनर है, लेकिन अगर रेडियस रेशियो कंपैरिजन करो ट्रायंगुलर वर्ल्ड में भी देखो ट्रायंगुलर वर्ल्ड में इससे वैल्यू क्या थी कम आ रही थी, ट्रायंगुलर वर्ल्ड का जो वैल्यू आ रहा था आपका वो आ रहा था 0.15 और ये 0.414, तो ये कभी भी पैकिंग अच्छा पैकिंग एफिशिएंट नहीं देता। अगर आप ऐसे 2D कर दे इसके बाद 3D करे तो भी आपको अच्छा पैकिंग कभी नहीं मिलने वाला। तो स्क्वायर प्लेनर कभी भी प्रैक्टिकली नहीं किया जाता, हमेशा या तो ट्रायंगल हमेशा कौन सा किया जाता है टेट्राहेड्रल किया जाता है या ऑक्टाहेड्रल बनता है कभी भी, क्योंकि आप ऐसे समझो जैसे सपोज करो मैंने क्या कर रहा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये, क्योंकि ये 2D है तो एक एक लड्डू यहाँ रखे एक लड्डू यहाँ रखे एक लड्डू यहाँ रखे एक लड्डू यहाँ रखे, इससे मैं बहुत ज्यादा लड्डू नहीं डाल सकता, एक लड्डू एक लाइन में रखूँ और उसके बाद इसको थोड़ा कंप्रेस करके यहाँ पे रखूँ ताकि मेरा ट्रायंगुलर वर्ड बने, इससे मेरा क्या होगा इससे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंट होता है 3D में। 2D में भले हो सकता है कि हो सकता है स्क्वायर में ज्यादा नंबर ऑफ लड्डू आ जाएंगे, बट 3D वाले में कभी भी ज्यादा नंबर ऑफ लड्डू नहीं आ सकता, वो पिरामिड का शेप लेता है, बट ये कुछ और शेप लेगा, ये टेट्राहेड्रल जैसा शेप लेता है। हालांकि प्रैक्टिकल समझाना आपको पॉसिबल है तो आप YouTube में जाइएगा, इस जगह पे YouTube पे जाइएगा आप देखिएगा 3D व्यू ऑफ सॉलिड स्टेट या हाउ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्मिंग, ठीक है ये सब YouTube में टाइप करिएगा या हो सके मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ YouTube से आप प्लीज उसको एक बार एनिमेशन वीडियो उसका देखे आएगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये आपको समझ में आ रहा था मैं क्या क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि देखो इसका वॉइड का जो रेडियस है वो काफी बड़ा है, इसका मतलब पैकिंग जब वॉइड जब एक तो एटम ऑलरेडी कम है उसमें वॉइड का स्पेस भी बहुत ज्यादा है तो पैकिंग अच्छा एफिशिएंट नहीं होगा इस टाइप के पैकेजिंग में, बट इसमें ऑलरेडी देखो वॉइड का स्पेस कम हो रहा है तो मतलब ये मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मेरा टेट्राहेड्रल का हो गया, अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। ऐसे मैंने बनाया
ठीक है, तीन मेरे एक प्लेन में हो गए हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, देखो एक ऐसा वॉइड बन रहा है आपका, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीन ऊपर कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो वॉइड बन रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो बेसिकली अब इसका सेंटर टू सेंटर जॉइन करूं मैं, ठीक है। इस तरीके से बनता है, देखो स्टार टाइप का बन रहा होगा, देखो आपका समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं व्यू करके दिखाऊं तो ऐसे बनता है ये, हर स्क्वायर को टच करेगा, यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, चार सेम प्लेन में एक ऊपर और एक नीचे, फोर तो क्या होंगे सेम प्लेन में होंगे, प्लस एक अपर होगा, दूसरा बॉटम होगा, ठीक है। मतलब एक तो क्या होगा, चार तो आपका ऐसे टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इसका रेडियस रेशियो क्या होता है, आर बाय आर बराबर 0.414। तो ये बहुत ज्यादा पैकिंग एफिशिएंट नहीं बना जाता, ठीक है। लास्ट जो हमारा है, ठीक है, लास्ट में हमारा है क्यूबिक वॉइड। क्या होता है क्यूबिक वॉइड, ऑब्वियस बात है ये भी मेरा क्या है, ये क्यूबिक वॉइड आठ स्फीयर को टच करने से बनता है, चार ऊपर और चार नीचे, जस्ट लाइक बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नेट में सेंटर में एटम रहता था, बस उस एटम को हटा दो, वहां पे एक वॉइड बना दो, एक तरीके क्या बनता है, बेसिकली सिंपल क्यूबिक नेट सेल। सिंपल क्यूबिक नेट सेल चार ऊपर से बनता है, चार नीचे से, चार एटम ऊपर चार एटम नीचे, बीच में एक क्या रहेगा वॉइड रहेगा, हमेशा रहना क्यूबिक वॉइड सिर्फ और सिर्फ सिर्फ कहां बनता है, सिंपल क्यूबिक नेट सेल। बीसीसी में बनने से तो बीसीसी में ऑलरेडी एटम रहते हैं, एफसीसी में भी नहीं बन सकता है, क्योंकि एफसीसी में इसका शर्त ही क्या है, क्यूबिक वॉइड एक एटम आठ एटम को टच करना चाहिए, मतलब जो वॉइड वाला, जो वॉइड में जो मैं स्फीयर रखूंगा छोटा सा स्फीयर, वो आठवें एटम को टच करेगा, जो कि बीसीसी में पॉसिबल है, बीसीसी में भी पॉसिबल नहीं है, और एससीसी में एफसीसी में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्यूबिक वॉइड का मतलब ही क्या हो मेरा, क्यूबिक वॉइड का मतलब होगा वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग एट स्फीयर, वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग एट स्फीयर, टचिंग एट स्फीयर फोर इन द सेम प्लेन, फोर इन द सेम प्लेन एंड फोर इन द अपर एंड फोर इन द अपर और फोर इन बॉटम, फोर इन द अपर और फोर इन द बॉटम प्लेन, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से समझ सिंपल क्यूबिक इलेक्ट सेल का ही हो गया। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। चार ऊपर हो जाएंगे, चार नीचे हो जाएंगे, और बीच में क्या रहेगा वॉइड रहेगा, बीच में क्या रहेगा वॉइड रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसके रेडियस रेशियो की बात करूं तो दो आइटम एक दूसरे को टच कर रहे थे, ये बराबर क्या हो जाएगा टू आर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है अलोंग द बॉडी डायगोनल रूट थ्री ए बराबर क्या होता है, टू आर प्लस टू आर स्मॉल आर, समझो यहाँ पे छोटा सा आर होगा तो इसका टू आर, और इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर, तो कैपिटल टू आर प्लस स्मॉल टू आर, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, लेट्स से दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो रूट थ्री ए बाय ए बराबर कितना हो जाएगा, टू आर आर प्लस आर बराबर बाय टू आर, दिस और दिस कैंसल, ए और ए कैंसल, इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ आर बाय आर का जो रेशियो आता है 0.73 आता है, देखो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये भी बहुत बड़ा वॉइड बनता है। आई बात समझ में, तो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंट आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है, 0.225, देखो सबसे इसका वॉइड का जो
रेशियो मतलब जो वॉइड का जो रेडियस है बहुत कम है, तो सबसे बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी माना जाता है। तो याद रखना टेट्राहेड्रल वॉल मैक्सिमम कहाँ बनता है, एफसीसी में बनता है, क्योंकि मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी उसी होती है। हालांकि मैं डिस्कस करूंगा और डिटेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड आखिर बन, ये तो खाली मैंने वॉइड बताया, आखिर बनता कैसे, क्यों बनता है। अगर किसी कोई यूनिट सेल बन भी गया, मान लो कोई भी यूनिट सेल आपके पास, उस यूनिट सेल में कहाँ बनने के उसके चांसेस होते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के बस मैंने आपको बताया कि कौन सा वॉइड बड़ा होता है, कौन सा वॉइड छोटा होता है, आखिर वो कैसे बनते हैं, बस ठीक है। आगे की चीजें बातें हम डिस्कस करेंगे।